मैं पूजा एक छोटे से घर से आई हूँ। मेरे पापा का सपना था मैं MBBS बनूँ। इसके लिए मेरे पापा ने बहुत सारे पैसे खर्च किए। पैसे कहाँ से लाए, क्यों लाए, मुझे कुछ पता नहीं। और मैं इस एग्ज़ाम में फेल हो गई। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं पापा को कैसे मुंह दिखाऊं, कहाँ जाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा मन किसी काम में नहीं लग रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पढ़ाई का मन नहीं है, कुछ अलग ही हो रहा है। आजकल मुझे नींद भी नहीं आ रही। क्यों रो रही हूँ मैं? बस रो रही हूँ। खाना भी अच्छे से नहीं खा रही। क्या हो रहा है मेरे साथ? बस रो रही हूँ। सबके साथ होकर भी मैं अकेला महसूस कर रही हूँ। पूजा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर के बाद मेरे केबिन में आके मुझे मिलो। क्या हुआ? मैं अंदर आ सकती हूँ? यस पूजा। सीट पूजा, क्या हुआ पूजा? बहुत परेशान हूँ, कोई बात है क्या? कोई बात नहीं। रिजल्ट के बाद से मैं देख रही हूँ तुम बहुत परेशान हो, किसी से बात नहीं करती, क्लास में भी ध्यान नहीं है। इट्स ओके, फेल हो गए तो अगले साल हम कोशिश करके प्रयास करेंगे, तुम उससे बाहर निकलने का प्रयास।
शारीरिक स्वास्थ्य पे परिणाम हो रहा है? नहीं हो रहा है सर, मैं नहीं आ पा रही हूँ इससे बाहर। बार बार वही बात मेरे दिमाग में आ रही है, क्या करूँ मैं, कैसे बाहर आऊँ इस सबसे? इस सबसे बाहर निकलने के लिए तुम खुद ही प्रयास कर सकती हो। इसकी वजह, इसके लिए तुम बातें करो, तुम्हारे दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाओ, गाना सुनो, पढ़ाई करो, तुम्हारे मन को तुम अलग जगह पर लेकर जाओ, तुम्हें जो पसंद है वो करो, डांस करो। कोई बात है तो हमारे साथ शेयर करो, मैं तुम्हें मदद करूंगी। तुम्हारे दोस्त है उनके साथ बातें शेयर करो। तुम यू आर अ गुड स्टूडेंट, नेक्स्ट साल हम अच्छे से पढ़ाई करके ट्राई कर सकते हैं। तुम्हें जो अच्छा लग रहा है वो करो, लेकिन इससे बाहर निकलो। Yes, ma'am. I will try. मैं इस सबसे बाहर निकलने के लिए कोशिश करूंगी। के पूजा मुझे इस सबसे बाहर निकलना है। मैं फिर से पहले जैसी जिंदगी जीना चाहती हूँ। इस एक फेलियर की वजह से मैं यहाँ पे रुक नहीं सकती। मुझे पीछे नहीं हटना, मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है और अपने पापा का सपना मुझे पूरा करना है। और कामयाबी हासिल करनी है। इस सब की शुरुआत जैसा मैम ने कहा था, अपने दोस्तों के साथ टाइम बिता कर, गाने सुनकर, ड्राइंग निकाल कर, फिर से वही, ये सब करके मुझे फिर से अपने आप को पाना है। मुझे पता है मैं ये कर सकती हूँ। यस, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। तुम इस सबसे बाहर निकलो।
बी फ्री। कम आउट फ्रॉम दिस। Unplug your mind, recharge your soul. स्नेहल, हाँ बोल ना। सुन ना, देखना ये ड्रग मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कौन सा है रे? ये अमोक्सिलिन। कितना डिफिकल्ट है यार, मुझे भी मालूम नहीं है, मुझे नहीं आता ये ड्रग वग। चलो हम पूजा से पूछते। चलो पूछते। तुम भी इधर कलर कर दो। हाँ। मुझे थोड़ी हेल्प होगी। वाओ पूजा, कितनी अच्छी, कितने अच्छी ड्राइंग है। थैंक यू। सुनो ना पूजा। हाँ। मुझे एक डाउट था। कौन सा है दिखाओ। अमोक्सिलिन। तो देखो ये ड्रग एंटीबायोटिक है, हायर एंटीबायोटिक है। हाँ। इससे ये ड्रग हम कौन से पेशेंट को देते हैं ज्यादातर? अगर स्किन इन्फेक्शन का पेशेंट हो या फिर जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो तो उसके पेशेंट, उस पेशेंट पे हम ये दे सकते हैं। साथ ही अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो या फिर देखो तुम्हें अगर पढ़ाई करनी हो ना तो यहाँ पे लिखा होता है कौन से पेशेंट में हम दे सकते हैं, इस ड्रग का क्या एक्शन है, फिर इसका साइड इफेक्ट्स क्या क्या होता है, ये सब यहाँ पे पहले से ही दिया होता है। तो उसके हिसाब से अगर तुम पढ़ाई करोगे ना तो एक एक पॉइंट लेकर तो तुम्हें बहुत आसान होगा। ओके, और समझ में भी आएगा। तो ये सारे पेशेंट में हम ये ड्रग दे सकते हैं। ये साथ में इसका एक्शन क्या बोलोगे? एक तो एक्शन इसका ये है कि वो बैक्टीरियल सेल वॉल पर एक्शन करता है और उसको डिस्ट्रॉय करता है और इन्फेक्शन जो है बॉडी में वो कम कर देता है। इसका वन वर्ड एक्शन हम इसको एंटीबायोटिक कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? हाँ। थैंक यू, तुमने कितना आसानी से बता दिया। थैंक यू पूजा। मैं भी कर सकती हूँ। कपल है, पल 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 है, प